हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक राव, ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले क्रिसेंटा सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर के बारे में। आज हम इसके डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले, इसके पब्लिक कोट की भी बात करने वाले, मोमेंटम सब कुछ आज हम जानने, सपोर्ट टारगेट आज डिटेल में हाल जो हम सब कुछ इसके बारे में जानने वाले। तो शुरू करेंगे हम फंडामेंटल से। तो बड़ी कंपनी है, 1000 से भी ज़्यादा का इसका जो है मार्केट कैप है। तो बड़ी कंपनी हमेशा कह सकते हैं एज कम्पेयर टू इसके स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस है 35 की, बुक वैल्यू है 0.80 की, तो 1 से भी नीचे की बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 35 टाइम्स जो इसकी स्टॉक प्राइस आगे बढ़ चुकी है। इसका अगर बिजनेस की बात करें तो IT सेक्टर में इनका जो बिजनेस आता है, तो फ्यूचर में इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हो सकती है। आगे चल के ये जो है हमें प्रॉफिट करा के दे सकता है, इसका जो है बिजनेस है वो। और इनके अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स इसका स्टॉक पी चेक कर लीजिए, स्टॉक पी जो 15,201 का है, तो स्टॉक पी जो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पे अभी पहुंच चुका है। तो ये बहुत बुरी बात है, स्टॉक पी बुक वैल्यू से कंपेयर करेगा करंट प्राइस से, तो वो उसमें जो है बहुत डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कर्जा मुक्त कंपनी है, मतलब इस पर कोई भी डेप्ट नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। डेप्ट फ्री IT शेयर हमें यहाँ पे, वो भी पेनी IT शेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अपर सर्किट लगाती हुई जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ROCE जो है यहाँ पे 0 में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो 44 टाइम्स जो इसकी स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से ट्रेडिंग कर रही है। मैंने 32 बोला था, लेकिन ये 42 का ओवरऑल आंकड़ा यहाँ पे नज़र हमें आ रहा है। अगर हम बात करें इसका जो प्रॉफिट है, तो 0.05 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बनाया था दिसंबर में, उससे पहले 0.04 करोड़ का लॉस भी किया था। तो अगर हम TTM का देखें तो 0.07 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पहले 0, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो वो कंसिस्टेंटली नहीं है, या अगर हम कह सकते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं है। इस बार अगर TTM का देखें तो 0.07, मतलब बहुत कम प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले तो कंपनी लॉस ही कर रही थी। तो ये सिचुएशन कब तक सुधरेगी ये तो हमें पता नहीं। IT का बूम चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो है फ्यूचर जो है इतना अच्छा खासा होगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी के प्रेजेंट का अगर हम देखें तो फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR में ग्रोथ होती जा रही है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं हो रही है। प्रॉफिट की बात करें TTM में 333% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि पिछली बार जो था 0.0 का नंबर था, उससे जो है अच्छा खासा हुआ है, लेकिन इतना भी प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हुआ है। ओवरऑल बात जो है प्रॉफिट कम है, लेकिन पिछली बार से जो है बढ़ता हुआ दिख चुका है। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 9,940% की ग्रोथ हुई है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। एज कम्पेयर टू प्रॉफिट रेशियोज की बात करें तो प्रॉफिट रेशियोज से बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे प्राइस में देखने को मिली है। ये बस ट्रेंड का मामला है। अगर यहाँ पे जो है पब्लिक का ट्रेंड चल रहा है, अपर सर्किट लगते जा रहे हैं, तो अपर सर्किट के चलते अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ लोग जो है इसकी प्राइस को और भी ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो लो था वो 4 रुपीज़ के आसपास का था। अगर 2020 की बात करें तो 4 रुपीज़ से ये शेयर जो है 35 रुपीज़ तक पहुँच चुका है, जो कि बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अगर यहाँ पे लोअर सर्किट जब भी ये शेयर लगाना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है, इस पर भी हमें गौर करना है। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो 24 के एसेट से 0.07 का पॉजिटिव में कैश फ्लो है। प्रोमोटर्स के पास 0.10% शेयर्स है, DIS के पास 0.03% और पब्लिक के पास 99% शेयर्स है। तो ओवरऑल बात यह है कि पब्लिक के भरोसे सब कुछ चल रहा है, प्रोमोटर्स के पास निग्लिजिबल शेयर है, DIS के पास भी ज़्यादा शेयर्स तो है नहीं। तो प्रोमोटर्स के पास जो 1% भी शेयर नहीं है, ये कंपनी के बारे में बुरी बात है, लेकिन पेनी शेयर के साथ ऐसा होते रहते हैं। और अगर शेयर की प्राइस कम है और पब्लिक के पास शेयर ज़्यादा है, तो उसमें जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना जो है आम बात हो जाती है। तो अगर हम देखें तो इस शेयर में भी जो है अभी अपर सर्किट लग रहा है, अगर कभी लोअर सर्किट भी लगता था, इसका जो है लोअर सर्किट अपर सर्किट ये गेम चलता है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर शेयर। तो शेयर अगर लोअर सर्किट लगता है तो हम बेच नहीं पाते, अपर सर्किट लगता है तो हम बेचते नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लॉस होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यह शेयर जो हमारा पैसा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। अगर हम आ जाते हैं टेक्निक फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल जो है वो हमने पूरे देख लिए। अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम 82 का यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है, तो मोमेंटम बहुत पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे पब्लिक हीविली बाइंग प्रेशर पे बना की जा रही है। अगर हम वोट्स की बात करें तो 82% बाई की तरफ है, 8% सेल की तरफ है, होल्ड की तरफ 8% है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाई की तरफ ही वोट करना पसंद कर रहे हैं, ये ओवरऑल बात है। IT का पेनी शेयर है, डेप्ट फ्री प्राइस पे हमें मिल रहा है, मतलब इस पे जो कर्जा नहीं है, अच्छी खासी प्राइस पे अवेलेबल है। 35 की प्राइस अभी चल रही है, अपर सर्किट लगा था वो जा रहे, तो ये एक कंपनी के बारे में अच्छी बात हुई। लेकिन इसकी प्राइस जो है बुक वैल्यू और स्टॉक पी से तो बहुत आगे, ये एक इसके बारे में निगेटिव पॉइंट भी हमें नहीं भूलना है। तो ओवरऑल अभी के लिए तो ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने कोई भी बायर का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।